नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इजी वे टू लर्न में। आज हम डायमंड वन के टाइप वन के क्वेश्चनों की उस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आपने दो पार्ट देखे थे, उसमें आपने काफी अच्छे क्वेश्चन देखे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और उनको हमने कितनी आसानी से टैकल किया ये भी आपने देखा। तो उसी कहानी को हम आगे लेके चलेंगे। अब तक आपने क्वेश्चन 12 तक के सॉल्यूशन देखे, आज हम 13 से लेकर आगे बढ़ेंगे और इस टाइप वन को आज खत्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, टाइप वन के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिन में खत्म करते हैं या 30 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला गया, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। वो एक साथ अगर 20 दिन काम करते हैं, देन बी लेफ्ट, और बी काम छोड़कर चला जाता है। एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, और बचा हुआ कार्य ए के द्वारा 20 दिनों में खत्म किया जाता है। सो ए कैन फिनिश द होल वर्क इन, तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो लगभग 95% ये क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट आपको काफी कंफ्यूज करती है। आपको ये नहीं पता लगता कि हम शुरुआत कहां से करें। तो देखिए कितनी आसानी से हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। अभी तक जो हमने सीखा था एलसीएम वाला, उसमें आपको दो एलिमेंट मिलते थे या दो व्यक्ति होते थे जो आप वहां पर काम कर रहे होते थे, और उनके नंबर ऑफ डेज को लेकर हम एलसीएम निकाल देते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए क्वेश्चन बोला, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी एक साथ दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको कि ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में कर देते हैं। अब उसके बाद डाटा नहीं दिया गया कि हम एलसीएम क्या लें जिससे कि हमारा टोटल वर्क आ जाए। यहां पर वो चीज हमारे समझ में नहीं आई। तो हम क्या करेंगे कि जो दे रखा है नंबर ऑफ डेज दोनों का एक ही चीज दे रखी है, इसी को ही हम टोटल वर्क मान के चलेंगे। या दूसरी बात हम कहें तो हमारे पास दूसरा डाटा नहीं है, तो हम इसी का एलसीएम ले लेते हैं। इसी का एलसीएम क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो हम 30 को ही क्या मान लेते हैं, इसका टोटल वर्क। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, क्षमता। तो देखिए 30 को आप 30 से भाग करोगे तो उसकी क्षमता क्या आ जाएगी, 1। यह आ गई बेटा हमारी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट कहती है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया। तो ए प्लस बी जब एक दिन काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 1 यूनिट। लेकिन उसने कहा कि 20 दिन तक काम किया तो 20 डेज का कितना वर्क हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20। तो बच्चों ये आ गया 20 यूनिट वर्क, ठीक है। उसके बाद कहता है, एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा हमारा, 30 था टोटल वर्क, अभी तक इन दोनों ने 20 काम कर दिया है, तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारा बच्चों, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 30 में से 20 गए तो 10 यूनिट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो रिमेनिंग वर्क है 10 यूनिट, इसको कौन पूरा करेगा, इसको करेगा ए, और कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। तो वहां से क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी, कैसे, ए को कितना वर्क करना है, 10 यूनिट करना है, और कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, हाफ, मतलब हर रोज आधा काम करता था। और हमसे पूछा यही गया है, सो ए कैन फिनिश द होल वर्क इन, ए उस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए की एफिशिएंसी आई हाफ, और टोटल वर्क जो उसको करना था वो कितना था, 30। तो 30 को हाफ की एफिशिएंसी से जब करेगा तो ये डिवाइड वाला क्या जाएगा, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 30 × 2/a, तो ये बन जाएगा बेटा 60 डेज।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए उस अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, 60 दिनों में। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको लगभग लगभग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days। ए और बी अकेले काम करते हुए उस काम को 9 और 12 दिन में कर देते हैं। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, अगर वो अल्टरनेटिवली दिन में काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, विद ए बिगिनिंग, और शुरुआत कौन कर रहा है काम की, ए, द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन, तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले वही काम जो हम करते आए हैं, इन दोनों के दिन लिख लेते हैं। ए कितने दिन लेता है, 9, बी लेता है बच्चों 12। अब करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम से हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब अगली बात क्या करते हैं, हम इन दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय हिज नंबर ऑफ डेज। 36 को आप 4, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 36 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दिया 36, 3। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट कहती है इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, ए एक दिन करेगा अगले दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, फिर उससे अगले दिन ए करेगा बी नहीं करेगा, मतलब एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहा है, और शुरुआत कौन कर रहा है काम की, ए। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। तो फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए, और कितना वर्क करेगा बच्चे, एक दिन में जितना करता है, और एक दिन मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो ये 4 यूनिट वर्क कर देगा। सेकंड डे कौन काम करेगा बच्चे, बी, और बी कितना काम करेगा, जो उसकी एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में काम जो कर सकता है, मतलब 3, तो ये 3 यूनिट। अब गौर से देखें तो 4 + 3 = 7 यूनिट काम हो चुका है, कितने दिनों में, फर्स्ट डे सेकंड डे, मतलब 2 दिनों में। तो प्यारे बच्चों 2 दिनों में कितना वर्क हुआ, 7, तो हम 35 के नजदीक कैसे पहुंचेंगे, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, 35 यूनिट, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल कितने दिन लगे 35 वर्क में, 10 दिन। 10 दिन 35 काम हो गया, बच गया कितना काम, 1। अब बात आई वो काम कौन करेगा, जो बचा हुआ कार्य है वो कौन काम करेगा, जिसकी बारी आएगी, जिसकी टर्न होगी। तो देखिए अगर हम यहां देखें तो फर्स्ट डे किसने काम करा, ए ने करा, और सेकंड डे किसने काम करा, बी ने करा, फिर थर्ड डे किसकी बारी आई, ए की आई, फिर फोर्थ डे किसकी बारी आई, बी की आई। तो इस सीरीज से हमें पता लगा कि जो ओड नंबर ऑफ डेज है, विषम दिन, 1 और 3, आगे 5वें दिन, फिर 7वें दिन, उसमें कौन कार्य कर रहा है, ए कार्य कर रहा है। इवन नंबर ऑफ डेज की बात करें, सम दिनों की, 2, 4, 6, 8, तो इन दिनों में कौन कार्य कर रहा है, बी। अब यहां देखिए जरा, 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब कौन सा दिन आएगा, 11वां, और 11 क्या होता है, ओड नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो ओड पे कौन काम करेगा, ए कार्य करेगा। इसका मतलब अब बारी किसकी आई है, ए की, उसे वर्क कितना करना है, जो बच गया है 36 करना था 35 हो चुका है, इसका मतलब एक कार्य बचा है, 1 यूनिट, और उसको करेगा कौन, ए करेगा। कितने दिनों में करेगा जी, 4 वर्क करता था 1 दिन में, और अब 1 वर्क करना है कि तो कितने दिन में करेगा, ए जो है 1 वर्क रह गया है, और 4 की एफिशिएंसी कितने दिनों में करेगा, 1/4 days में, इतने दिनों में। तो इसका मतलब ये +1 जो वर्क हुआ, 36 हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, ये कब हुआ, 10 दिन तो पहले हो चुका था, और 1/4 दिन किसने लिए, जब ए की टर्न आई, 1/4, तो हमारे टोटल दिन कितने हुए, 10, सही, 1/4 days। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ये क्वेश्चन सिंपल में भी दे सकता था, जब हमारा सिंपल आंसर आ रहा हो, तो
लेकिन कुछ मैंने मुश्किल संख्याएं या नंबर लिए ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो चुके। तो अब इसका आंसर क्या आया बच्चों हमारा, 10 सही 1/4 दिन। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। स्टेटमेंट कहती है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ही वर्क एट इट फॉर 12 डेज, वो इस पर 12 दिन कार्य करता है। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, बी बचा हुआ कार्य 8 दिन में समाप्त कर देता है। बी अलोन कैन डू द होल वर्क इन, तो बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है वो हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कहता है ए उस कार्य को 18 दिनों में खत्म कर सकता है। अब हमारे पास दूसरे का डाटा नहीं दिया, तो जो दिया है इसी के एलसीएम निकाल लेते हैं या इसे टोटल वर्क मान लेते हैं, तो सेम आएगा। तो हमारा टोटल वर्क आ गया 18। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चों 18। अब हम निकालेंगे जी इसकी इफिशियंसी, और वह कैसे निकलती है, 18 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या जाएगा 18 एकम 18। ये आ गई हमारी इसकी इफिशियंसी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कहता है वर्क 8 फॉर 12 डेज, वो इस पर 12 दिन कार्य करता है। अगर ए एक दिन कार्य करता तो उसका वर्क होता 1 यूनिट। अब कहता है जी 12 दिन कार्य किया, तो 12 दिन में कितना कार्य कर लेगा, गुणा 12 मतलब 12 यूनिट। रिमेनिंग वर्क कितना है बच्चों हमारा, 18 टोटल वर्क था, 12 ए ने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क आ गया 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट को कौन करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, जो रिमेनिंग वर्क था 6 इसको बी ने 8 दिन में समाप्त कर दिया। तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी यहां से, बी इक्वल टू 6 यूनिट इसको वर्क करना है और कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी बच्चों, जब इसको काटेंगे हम 2 से 2 3 6 2 4 3/4 इसी क्या आ गई इफिशियंसी। तो हम बी के डेज निकालेंगे जितने दिनों में वो अकेला पूरे कार्य को कर सकता है। तो देखिए बी टोटल वर्क को कैसे करेगा, टोटल वर्क कितना हमारा 18, और किस इफिशियंसी से इसको कर रहा होगा 3/4 की इफिशियंसी से। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 कहां जाएगा ऊपर और 3 से ये डिवाइड होगा। जब आप 3 से 18 को काटोगे तो 3 6 18, जब इसको आप 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 24। तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा बच्चे, 24 दिन। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में कहता है ए डज 2/5 ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। ए किसी काम के 2/5 काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। देन बी जॉइन हिम, और उसके बाद बी उसको जॉइन कर लेता है काम में। एंड दे वर्क टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। जब उसको बी जॉइन कर लेता है तो दोनों साथ मिलकर रिमेनिंग वर्क बचे हुए कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बताना है बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए बच्चों बोला गया ए जो है 2/5 काम को 9 दिन में कर सकता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, डायरेक्ट क्या करते हैं 9 डेज में करता है 2/5 वर्क को, तो हम क्या करेंगे इसको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। वो कितने आएंगे प्यारे बच्चों, 9 × 45/2, तो ये आगे नंबर ऑफ डेज जो ए लेगा उस कार्य को अकेला करने में। यह इसका दूसरा शॉर्टकट हम कह सकते हैं ऐसे कि हम माने कि 2/5 काम हुआ 9 दिन में जो कि दिया हुआ है, इसका मतलब 5 अगर टोटल वर्क था तो 2 कार्य हुआ 9 दिन में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई, 9 को हम 2 से डिवाइड करें तो 9/2 1 यूनिट की वैल्यू ये आई। तो अगर हमें पूरा कार्य करवाना है मतलब 5 कार्य करवाना है
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको भी हम 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापिस ये कितना आ जाएगा 45/2 सेम आ जाएगा। या तो आप इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो। अब आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, फिर क्या कहता है कि बी अगर इसको ज्वाइन कर ले, अब दोनों इकट्ठे हो गए मतलब ए प्लस बी हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में निपटा देते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, पहले 2 कार्य हो चुका था, 5 में से 2 कार्य हो चुका था, बचिया कितना 3, 5 - 2, 3। तो 6 दिन में 3/5 वर्क करेंगे। तो अगर जब हम ए प्लस बी के डेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या वो वाला तरीका लगा सकते हो जो अभी हमने बताया। तो इसके कितने दिन आएंगे, 5/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3 × 6, तो ये आ गया बच्चों 10। इसका मतलब ए प्लस बी अगर मिलकर कार्य करे तो उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उसको करे तो वो 45/2 दिन लेगा। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम से क्या आएगा, हमारा टोटल वर्क आएगा। तो देखिए टोटल वर्क के लिए हमें एलसीएम निकालना है, अगर आपको बटे में संख्या दी हुई हो और एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, जो ऊपर है न्यूमरेटर में जो नंबर है उन्हीं के एलसीएम ले लीजिए। 45 और 10 का लोगे तो 45 का भाड़ा पड़ोगे, 45 10 से डिवाइड नहीं होता तो 45 × 90 तो होगा। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 90, टोटल वर्क कितना आ गया 90। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे ए की, ए की कैसे आएगी, 90 को आप डिवाइड करोगे 45/2 से। तो जब आप 90 को 45/2 से डिवाइड कर रहे होगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 45 से डिवाइड होगा 90, तो 45 × 90 और 2 जो बचेगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा बच्चे 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो 10 से डिवाइड करेंगे 90 को तो इसकी कितनी आएगी 9 आएगी। इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई प्यारे बच्चों 9, और ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी 4। तो अगर हम यहां से बी की एफिशिएंसी निकाले तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा बी और 9 में से 4 गए तो यहां पर बचेगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, मतलब बी 1 दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। और हमें निकालना क्या था, बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। तो देखिए बी उस कार्य को करेगा, किस कार्य करेगा 90 यूनिट को, 90 यूनिट को करेगा, किससे करेगा 5 की एफिशिएंसी से। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 × 5 = 5 × 8 = 40, 18 दिन। तो हमारा आंसर आ गया 18 दिन, 18 डेज। बच्चों इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं जो कि इससे अच्छा मान सकते हैं मेरे नजरिए से, बाकी आपकी मर्जी होगी आप किस तरीके से करें, तो वो तरीका भी देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम टाइम लगेगा। देखिए क्या कहा गया कि ए जो है वो 2/5 वर्क को करेगा 9 दिन में। तो अगर हम मान के चले कि भैया टोटल वर्क जो है, जो हमें दिया गया है कि 5 है, टोटल वर्क कितना है 5 है, उसमें से ए जो है वो 2 वर्क को करता है 9 दिन में। 2 वर्क को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। ए कितने वर्क को करेगा, 2 यूनिट वर्क करेगा, कितने दिन में करेगा 9 दिन में करेगा। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो आई है ये क्या चीज आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई, उसकी क्षमता आ गई, 2 वर्क को कर रहा है 9 दिन में, तो ये इसकी क्षमता आ गई। अब क्या बोला गया कि बचे हुए कार्य को दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो बचा हुआ कार्य कितना आया 5 टोटल वर्क था, 2 ए ने कर दिया 9 दिन में, बचा हुआ कार्य कितना आया 3। ये 3 वर्क किसने किया, दोनों ने मिलकर किया जी, ए प्लस बी ने किया, और कितने दिन में किया जी 6 दिन में किया। इसका मतलब 3 कार्य किया 6 दिन में, तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो अगर हम बी की एफिशिएंसी निकाले तो कैसे निकलेगी, ए प्लस बी में से माइनस कर दे हम ए को, इसका मतलब
एक बटे दो में से माइनस कर दे 2/9 को, तो यहां से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, b की एफिशिएंसी, वो कितनी आएगी, इसका एलसीएम लेंगे 18, 2 × 18 यहां पर 9, 9 × 18 यहां पर 4, तो ये बच गया बच्चे 5/18। तो 5/18 किसकी एफिशिएंसी आ गई, b की। अब b की जो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क, और टोटल वर्क हमने क्या माना या दिया हुआ है कि कितना है 5, तो 5 वर्क है बच्चे, और 5/18 एफिशिएंसी से भी कर सकता है, तो एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, जब इसको आगे आप सोल्व करोगे तो 5 × जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा 18, और ये 5 इसके डिवाइड करेगा तो 5 से 5 कट गया, तो 18 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर 18 डेज। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को टैकल आउट कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एफिशिएंसी की बेस है। कहता है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ए जो है दुगना अच्छा है बी से, मतलब उसकी एफिशिएंसी जो ए की है वो दुगनी है ए बी से, एंड टुगेदर दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, और एक साथ मिलकर दोनों उस कार्य को 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज, तो ए उस कार्य को खत्म करने में या कंप्लीट करने में कितने दिन लेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ए और बी के बारे में बोला गया कि ए जो है वो उसकी एफिशिएंसी दुगनी है किससे कंपेयर करें तो बी से, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 2 माने तो बी की कितनी आएगी 1, दुगना एफिशिएंट हो गया। अब कहते हैं जी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो किस एफिशिएंसी से करेंगे, 2 काम करेगा ए और बी कितना काम करेगा 1, तो टोटल एफिशिएंसी ये क्षमता कितनी हो गई 3। बोला गया कि दोनों मिलकर 16 दिन में उस कार्य को करते हैं, तो जो हमने ट्रिक सीखी थी कंसेप्ट वाले वीडियो में उसमें हमने क्या बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आता है जी टोटल वर्क। तो देखिए नंबर ऑफ डेज कितने लिए 16, टोटल एफिशिएंसी दोनों को साथ मिलकर कर रहे थे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3, तो 16 × 48 ये हमारा क्या आ गया बच्चों टोटल वर्क, जो हमने सीखा था कि कैसे निकाला जाए। उसके बाद क्या पूछा गया, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं एक है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो देखिए ए जो है 48 वर्क को करेगा, टोटल वर्क हमारा 48 है और ए की एफिशिएंसी क्या आ रही है 2, तो ये 2 एफिशिएंसी से करेगा, तो 2 से जब आप 48 को काटोगे तो ये आ जाएगा 24 डेज, तो 24 आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम बी की बात करें, क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी कितने दिनों में करता, टोटल वर्क करना था 48 और बी की एफिशिएंसी कितनी है जी 1, तो 1 एफिशिएंसी से करता, तो आंसर क्या आ जाएगा 48 डेज, 48 दिन। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, जो ए की क्षमता है वो बी से 20% कम है, हाउ मेनी डेज कितने दिन बी नीड टू फिनिश द सेम वर्क, उसी सेम कार्य को करने के लिए बी को कितने दिन चाहिए या बी उसी कार्य को कितने दिनों में अकेला कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ए और बी के बारे में, उनकी एफिशिएंसी के बारे में, कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 20% कम है, अगर हम बी की एफिशिएंसी को 100 मान लें तो ए की एफिशिएंसी से 20% कम मतलब कितना हो जाएगा 80, 80, या इसको आप ऐसे कर सकते हो फ्रैक्शन को तोड़ में, इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 20% को हम क्या ले सकते हैं जी 1/5, 1/5, 20% कम है इसका मतलब कितना कम है जी 1 कम है,
तो अगर बी की इफिशियंसी 5 है तो ए की इफिशियंसी इससे 1 कम होगी, मतलब कितनी होगी 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो आप इसको 20 से काटोगे तो यह आ जाएगा 4/5। मतलब ए की इफिशियंसी अगर 4 है तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 5 हो गई। तो बोला क्या गया, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, ए अकेला उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तो बी की डेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क, क्योंकि हमारे पास इसकी एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क निकालने का जो फॉर्मूला था, जो हमने पढ़ा था उसकी कॉन्सेप्ट और ट्रिक में, वो क्या था जी, नंबर ऑफ डेज को अगर आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ए ने 10 दिन तक, 10 दिन में समाप्त किया उस कार्य को, और किस एफिशिएंसी से करा जी, 4 एफिशिएंसी से करा, तो ये कितना आ गया हमारा 40। इसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना आ गया जी, 40 यूनिट। अगर आप बी के नंबर ऑफ डेज चाहते हो तो बी इसी कार्य को, मतलब 40 यूनिट कार्य को करेगा, किस एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, बटे में 5, तो 5 × 40 होते हैं जी। तो बी के नंबर ऑफ डेज आ गए 8 डेज, 8 दिन। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 8 दिन। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ए कैन डू 3 टाइम्स द वर्क डन बाय बी इन 1 डे। जितना बी एक दिन में कार्य कर सकता है उसका तिगुना कार्य ए उसी एक दिन में कर सकता है। दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। एक साथ मिलकर वो किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर 9 दिन में उसका दूसरा भाग कर सकते हैं, अगर टोटल वर्क 5 है तो। द नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क अलोन आर। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा या कर सकता है। तो देखिए, ए जो है वो बी से तिगुना कार्य करता है, तिगुना मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, 3/1। ए की इफिशियंसी आई 3, बी की इफिशियंसी आई 1। अब वो एक साथ कार्य कर रहे हैं 9 दिन तक, इसका मतलब किस इफिशियंसी से करेंगे, 4 से, क्योंकि टोटल इनका इफिशियंसी कितना हो गया 4, 3 करेगा ए, बी करेगा 1। क्या कहता है कि 9 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो जो वर्क किया होगा 9 डेज में वो कितना किया होगा बच्चों, 9 दिन में किया क्या कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर कर रहे थे तो 4 की एफिशिएंसी किया होगा, ये कितना आ गया हमारा 36। मतलब 36 यूनिट जो है वर्क वो इन्होंने 9 दिन में साथ मिलकर कर दिया। और ये 36 यूनिट आया है ये क्या आया है, उस वर्क का 2/5 हिस्सा, मतलब दूसरा हिस्सा 5 में से। तो अगर अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो ये दे रखा हमें 2/5, तो 5 क्या हमारा टोटल वर्क है, और जो दो दूसरा पार्ट है, दो पार्ट है, 5 में से 2 पार्ट कंप्लीट करें ए और बी ने एक साथ मिलकर 9 दिन में, जो कितना आया है 36 आया है। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36, कितने गुना पे है जी, 18 गुना पे। तो 5 का अगर आप 18 गुना करोगे तो 18 × 5 कितना हो जाए 90। इसका मतलब 90 जो आया है वो हमारा क्या आ गया बच्चों, टोटल वर्क। अब क्या निकालना है, बी के दिन निकालने हैं। तो बी जो है वो टोटल वर्क कितना है जी, 90 को करेगा, किस इफिशियंसी से करेगा जी, 1 की इफिशियंसी से, 1 की इफिशियंसी से। तो ये कितने दिन लेगा बच्चों, 90 डेज, 90 दिन। तो 90 दिन हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे टाइप वन का अंतिम क्वेश्चन होगा, आज हम इसको खत्म कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए बी से तिगुना काम करता है, तिगुनी क्षमता से करता है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से कंपेयर करें तो तिगुनी है। एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 40 डेज लेस देन बी। और तिगुनी क्षमता होने के कारण वो बी से अगर कंपेयर करे खुद को तो वो 40 दिन पहले उस काम को खत्म कर देता है।
वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करते हुए दे कैन डू इट इन एक साथ काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे वो निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में डाटा क्या दिया गया, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया हमें 3:1, ये था इफिशियंसी का रेशियो। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकाले तो वो इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:3। ये ऐसा क्यों होगा इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, जो हमारे ट्रिक और कंसेप्ट वाली वीडियो थी टाइम एंड वर्क की, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। तो देखिए अगर ए एक दिन लेता है और बी 3 दिन लेते हैं तो यहां पर इनके दिनों में जो डिफरेंस आएगा वो हो गया 2, लेकिन क्वेश्चन में ये 2 की जगह डिफरेंस दिया गया है 40। इसका मतलब 2 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 40, तो ये 2 का कितने गुना पर बैठा है जी, 20 गुना पर। तो अगर हम ए के दिन निकाले यहां से वो क्या होगा, इसका भी 20 गुना होगा यानी कि 20। और अगर हम बी की बात करें बी के दिनों की तो वो भी इसका 20 गुना होगा यानी कि 20 × 60। तो इसके अकॉर्डिंग ए ने जो दिन लिए वो थे जी 20, बी ने जो दिन लिए वो थे जी 60। तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकाले तो बच्चों वो आएगा 60, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। अगर आप टुगेदर का क्वेश्चन करोगे, वर्किंग टुगेदर बोला है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए होगी, वो एफिशिएंसी आप यहां से भी पिक कर सकते हो। अगर यहां से चीज समझ में ना आए तो दोबारा निकाल के देख लीजिए, 20 × 60 इसकी 3 आ गई, 60 × 60 इसकी 1 आ गई। अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी 60 साथ मिलकर काम कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना करना बच्चों 60, और टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 3+1 यानी 4। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 × 60 यानी कि 15 days। तो बच्चों हमारा आंसर इसका आ जाएगा 15 दिन। तो चलिए बच्चों यहां तक बात हुई इन क्वेश्चनों की, आज हमने इसको खत्म कर दिया। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है इजी वे टू लर्न उस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो उसको, वहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों की। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर या तो PDF फाइल डाल दीजिए उस क्वेश्चन की, या आप उसकी पिक ले सकते हो और उसको वहां पर डाल दीजिएगा, हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन के नाम से हमारी वीडियो आएगी। तो प्यारे बच्चों अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी तरह के मजेदार कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व करें उसकी ट्रिक जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इजी वे टू लर्न। और आपके नीचे यहाँ पर लेफ्ट में राइट में सॉरी एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप जब ये बेल प्रेस कर दोगे तभी आएगा और वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, टाइप 2 के क्वेश्चन की वीडियो हम अगले सेशन में लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो चैनल इजी वे टू लर्न पर। बहुत बहुत